इजरायली सेना लेबनान के भीतर घुसती चली जा रही है और हिजबुल्ला के लड़ाके भी उस पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहे हैं, लेकिन इजरायल के हमलों की वजह से लेबनान में भारी तबाही मची है। IDF के हमलों में एक के बाद एक हिजबुल्ला के विकेट गिर रहे हैं। हिजबुल्ला हार मानने को तैयार नहीं, बल्कि वो बार बार इस बात को कह रहा है कि उत्तरी बॉर्डर पर इजरायली सेटलर्स दोबारा अपने घरों में नहीं लौट पाएंगे। हिजबुल्ला ने इसराइल से साफ कह दिया कि वो उसके आगे हथियार नहीं डालेगा, लेकिन लेबनान के प्रधानमंत्री ने मीडिया के सामने आकर कह दिया कि अमेरिका ने उन्हें यह गारंटी दी है कि वो लेबनान पर इजरायली हमलों को कम करा सकते हैं। लेकिन इस सबके बीच हिजबुल्ला के डिप्टी चीफ शेख नईम कासिम ने अपने लड़ाकों से साफ कह दिया कि अब वक्त आ गया है कि दुश्मन को चोट दी जाए। कासिम ने कहा कि जब इसराइल पूरे लेबनान में कहीं भी हमले कर रहा है तो हिजबुल्ला को भी इसराइल के भीतर कहीं पर भी हमले करने का अधिकार है। बिमा अन العدو الاسرائيلي استهدف كل لبنان فلنا الحق ومن موقع دفاعي ان نستهدف اي نقطه في كيان العدو الاسرائيلي سواء كانت في الوسط أو في الشمال أو في الجنوب سنختار النقطة التي نراها مناسبة. قاسم نے آگے کہا کہ لبنان کو غازہ سے الگ نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی علاقے سے فلسطین کو الگ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا فلسطینیوں کے لیے نیائے کا سمرتھن ہے۔ ہم اسرائیل کی وستاروادی پریوجنا کو روک رہے ہیں۔ غازہ کے بعد اسرائیل کی نگاہیں لبنان پر ہیں۔ आपको बता दें कि इसराइल के डिप्टी चीफ ने अपने इसी बयान में इसराइल के साथ युद्ध विराम की बात भी कही। उन्होंने कहा कि इसका समाधान सिर्फ युद्ध विराम ही है। اقول للجبهه الداخليه الاسرائيليه الحل بوقف اطلاق النار لا نتحدث من موقع ضعف اذا كان الاسرائيلي لا يريد نحن مستمرون وبعد وقف اطلاق النار بحسب الاتفاق غير المباشر يعود المستوطنون الى الشمال وترسم الخطوات الاخرى. आपको बता दें कि इजराइल के साथ जंग को लेकर हिजबुल्ला डिप्टी चीफ ने यह भी कहा कि हिजबुल्ला को कभी भी हराया नहीं जा सकता। أقول لكم المقاومة لن تهزم لأنها صاحبة الأرض ولأن مقاوميها استشهاديون لا يقبلون إلا حياة العز جيشكم الآن مهزوم وسيهزم أكثر إن شاء الله تعالى. شيخ قاسم نے آگے یہ بھی بتایا कि हिजबुल्ला को युद्ध खत्म करने और बॉर्डर से करीब 10 किलोमीटर पीछे हटने के लिए कहा गया था ताकि इजराइल को भड़काया ना जा सके। कासिम ने इसको लेकर कहा कि लेकिन फिर भी हमने गाजा में युद्ध विराम पर जोर दिया, यहाँ तक कि इजराइल ने हमसे गाजा से दूर हटने के लिए कहा, लेकिन हमने उसकी इस मांग का जवाब नहीं दिया। शेख नईम ने यह भी कहा कि हिजबुल्ला पर ईरान का एजेंडा चलाने के जो आरोप लगते हैं वो गलत हैं, ये पश्चिम का दुष्प्रचार है, हमारा लक्ष्य फिलिस्तीनी प्रोजेक्ट है ना कि ईरानी। हालांकि ईरान के लिए फिलिस्तीनियों की मदद करना गर्व की बात है। वहीं अमेरिका को लेकर हिजबुल्ला ने कहा कि अमेरिका नरसंहार में इसराइल की मदद कर रहा है, वो ऐसा करके पूरे मिडिल ईस्ट को अपने काबू में करना चाहता है। ये दोनों ही इस युद्ध अपराध में साझेदार हैं और मिडिल ईस्ट को इसराइल के मन मुताबिक आकार देने की कोशिश हो रही है। लेकिन हिजबुल्ला इसमें हारेगा नहीं, बल्कि इसराइल की हार होगी, क्योंकि वो हमारे बच्चों, महिलाओं, अस्पतालों और नागरिक ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। इसराइल के हमले अब पहले चरण तक ही रुक चुके हैं। हिजबुल्ला के लड़ाके IDF के रणनीतिक ठिकानों को निशाना बना रहे हैं।